कोई कोई पार्ट ऐसा है घर का जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं, तो उससे बहुत डरावना लगता है। जैसे कि दिस वन, पूरा अंधेरा, अंदर कुछ नहीं है। तो है तो छोटा सा ही कमरा सामने ऐसा ही, बट काफ़ी और डरावना है। उसमें से एक गांव पड़ता है जो डेजर्ट के बीच में आता है, कुलतरा, जिसको बोलते हैं हॉन्टेड विलेज, हॉरर विलेज। हम लोग पहुंच गए कुलदारा। तुम लोगों ने झगड़ा कर लिया, इंट्रो करो थोड़ा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए कुलदारा, और यहाँ पे एंट्री टिकट है वो 20 रुपीज़ है पर पर्सन, और कार की 50 है। पता नहीं उसने मुझे ड्राइवर कंसीडर कर दिया, तो मेरी कार के साथ ही जोड़ दी टिकट, तो हमें 20, 20, 40 और 50, 90 रुपीज़ पड़े। अब चलते हैं अंदर, भूतिया अबैंडन विलेज है वो देखने के लिए। अंजलि की ख्वाहिश थी देखना। क्या यार, क्या क्या सोच रही, क्या कर रही? कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा। हाँ उधर पीछे है पूरा, ये तो नया भी कंस्ट्रक्ट कर दिया है। वो अब इसको रिजॉर्ट बनाएंगे, अबैंडन्ड रिजॉर्ट। इसमें काफ़ी सारे हाउसेस है जो अबैंडेंड है, और किसी किसी में तो अंदर जाने से डर भी लगता है। और आई थिंक ये मंदिर है मेरे सामने। और ऐसे दो भूत भी दिखाई देते हैं। हेलो, दो दो भूत खड़े ऊपर। हमने हम न्यूली फाउंड भूत नहीं, पर ये तो भूतिया से थोड़ा मैजिकल नहीं हो गया? हम हाउस थोड़ा उस तरफ हवाई सीढ़ियां, हवाई सीढ़ियां। वाह, यहां से दिख रहा है, देख भी। अरे हम जा रहे हैं, हां उस तरफ जा रहे हैं। क्या हो गया? बोल रहे क्रीपी लग रहा है ऐसा। अबैंडन टाउन है तो ऐसे लगेगा। क्या वो? मेरे को अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत क्रीपी है। नाखून खाना बंद करेगी, बताओ। अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो तुझे तो देखना था अबैंडन विलेज। आ जाओ। इधर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है लिटरली। प्लीज़ अगर आप ऐसी कोई अच्छी जगह, पहाड़ है, हिस्टोरिकल है, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंस है, ये मत किया करो यार, नाम मत लिखा करो, अच्छा नहीं रहता। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इनकी भी इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती उनके सामने, और काफ़ी फैमिलीज और वो सब भी देखने आती है। प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। कोई कोई पार्ट ऐसा है घर का जिसके अंदर कोई भी लाइट नहीं, तो उससे बहुत डरावना लगता है। जैसे कि दिस वन, पूरा अंधेरा, अंदर कुछ नहीं है। तो है तो छोटा सा ही कमरा सामने ऐसा ही, बट काफ़ी और डरावना है। नहीं, पर तूने एक बात नोटिस की, ये सारे टूटे हुए हैं, वो आगे दो तीन थे वो पूरे इंटैक्ट है ऐसा ही, और आगे तो एक नया बनाया था मंदिर था। लेकिन ये तो अभी रिसेंट कंस्ट्रक्शन किया है लोगों ने, पता नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है ये ना, मतलब जो अमीर लोग होंगे ना इस गांव में, उनके घर होंगे ये सब नॉर्मल। लेकिन तुम देखो तो सही, तो जो बाहर का हिसाब से बनाया है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करें। आई डोंट थिंक तीन चार घर है वो ऐसे इंटैक्ट है, मतलब इंटैक्ट नहीं है, इनको प्रिजर्व करा है थोड़ा, इनको प्रिजर्व किया, क्योंकि अंदर जो गोबर का है ना, वो गांव में गोबर से बना के लेपते हैं वो अंदर। हां, नया लग रहा है, नया लग रहा है, इसीलिए। तो आप में से किसी को पता है तो कमेंट डाउन बिलो कि ये नया बना रहा है या फिर ये, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था 4 साल 5 साल पहले, तब ये ऐसा इतना खास नहीं था, पर ये तो था ही।
इसलिए कमेंट करके बताइए। अच्छा है ना, अच्छा है क्योंकि ये सब टूटा हुआ है ना। हाँ भाई, तो थोड़ा सा तो रियलिटी, अभी दोबारा बिल्ड करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। नहीं नहीं रहेगा। यहाँ से क्या चोरी करना है? पत्थर ले नहीं है, वहाँ क्यों मना करेंगे? अरे एक पत्थर ले, अबे ये देख सीट मिली, एक पत्थर ले आओ तो कुलधरा का देखो, जेब में चार पत्थर भर के लेके जा रहे हो, बोले हम कुलधरा जा रहे हैं, कुलधरा से लेके जाएंगे। अच्छा मतलब ये वो गली है, देख कहाँ गली है, मतलब ये एक थी वहाँ पे हम खड़े थे, वो दूसरी थी देख, क्या बेंच भी है। और पता है क्या है, तेरी गलियां ये तो मुझे लगा अभी बना है, ये तो पता नहीं क्या है, कुछ हिस्ट्री में लिखा भी नहीं है, सिर्फ इतने लिखा अबेंडन है, ये जो चीजें बनी है वो मंदिर बना है, वो घर बना है, पता नहीं। आगे देखते देख शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख चले एंड तक जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस विलेज अबेंडन प्लेस, और यहाँ पे तारे लगाई है एंड में, और वहाँ एक और रास्ता जाता है पर हम वहाँ नहीं जा रहे, वापस चल रहे। तो आई थिंक ये एक गली है, वो सामने वाली दूसरी गली, और दोनों तरफ घर है, ऐसी हालत में टूटे फूटे, जैसे हमने एक हड़प्पा संस्कृति का जो विलेज था वो हमने कवर किया था हमारी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा वहाँ पे देखते ना, तो वहाँ पे वो बना हुआ था स्क्वायर टाइप, और टॉयलेट थे, ड्रेनिंग सिस्टम थी, वो वहाँ पे इंटैक्ट थी काफ़ी सारी, तो आप उससे गैस कर पाते थे कि भाई उस ज़माने में ये चीज़ें हुआ करती थी घर में। पर यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ अभी इंटैक्ट लग नहीं रही है, सिर्फ दीवार है वो भी आधी से ज़्यादा टूटी हुई है, सो बता नहीं सकते कि क्या उस ज़माने में आर्किटेक्चर में क्या रहा होगा, कहाँ पे क्या था, इतने कमरे या नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। कुलधारा खत्म हो गया, देख लिया हमने, डर भी लग गया थोड़ा सा अंजलि को, ख्वाहिश तेरी पूरी हो गई? क्या मेरी बहुत ख्वाहिश थी एक्चुअली, अब मैं भानगढ़ देखने जाऊंगी। कैसा लगा तुझे कुलधारा? मस्त है, कुछ नहीं है लेकिन देखने के लिए मस्त है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मस्त है तो फिर कुछ नहीं, कैसा मस्त, मतलब मस्त ही है, मतलब सपना था पूरा हो गया, बट है कुछ नहीं देखने के लिए, सपना था कुलधारा। तो गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी जैसलमेर, अंजलि को थोड़ी शॉपिंग करनी है, फिर वहाँ से गांधीनगर निकल जाएंगे, अभी बज रहे 3:50 बज रहे हैं, तो यहाँ से आधा पौना घंटा जैसलमेर है, फिर वहाँ से शॉपिंग करके 5:30 बजे निकल जाएंगे गांधीनगर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट्स इट फॉर जैसलमेर सीरीज। अगर ये सीरीज और वीडियोज आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज और व्लॉग्स लाए उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले, और मिलते हैं आपको जल्दी कोई नई सीरीज में। बाय बाय, टाटा बाय। सालम सिंह के टाइम जो राजा थे वो इतने कैपेबल नहीं थे शासन करने में, तो वीटो पावर इनके पास में था, इनकी वजह से एक ही नाइट में एक ही कास्ट के 84 विलेज यहाँ से माइग्रेट हो गए। आज भी उन 84 विलेजेस में कोई स्टे नहीं करता है, उसमें से एक गांव पड़ता है जो डेजर्ट के बीच में आता है कुलधरा, जिसको बोलते हैं हॉन्टेड विलेज, हॉरर विलेज, बट वो हॉन्टेड हॉरर नहीं है, काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग उसमें होने के कारण उसको हॉन्टेड हॉरर बोलते हैं, बट वो सारे श्रापित गांव हैं, आज भी उन गांव में कोई रह नहीं सकता है। उन पाली वालों की एक लड़की थी सुंदर, सालम सिंह ने कंडीशन रखी कि मैं उससे शादी करूँगा, उन्होंने बोला कास्ट मैच नहीं होती, आप मर्चेंट हो, सेठ हो, बनिए हो, हम ब्राह्मण हैं, शादी नहीं होगी। तो सालम सिंह ने उनके ऊपर इतने टैक्स थोपे, उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज खाली करके चले गए, जिसमें से एक गाँव है कुलधरा।